नमस्कार। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक बिट्टू सिंह उर्फ देवेंद्र कुमार सिंह। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लोग से यहां पर बात करने के बाद पता चल रहा है कि नहीं, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को लेकर के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार चैनल को। और हम कहना चाहेंगे कि देखिए, ये लोग जो हैं सो इंसान हैं, सबसे पहले तो इंसानियत की बात है। और लोग ज़रूर, कोई भी लोग अगर बातें बताने का काम करते हैं बड़े बड़े, तो लोग सोचते हैं कि भाई विश्वास तो करना होगा। तो लगातार लोग इस तरह के बहकाए में आ गए, विश्वास तो कर दिए, लेकिन विश्वास के बाद जो लंबी चौड़ी घोषणाएँ थी, व्यक्तिगत रूप से जो वर्तमान विधायक जो घोषणा भी किए थे, वो सब खोखला साबित हो गया। जो अब अभी खुद अपने लोग अपनी बातों को रखने का काम किए, और बात ऐसा हुआ कि लोगों को मुद्दा से भटकाने का लोग काम करने लगे। पहले जो मामला ये था कि भाई हम बहुत सारे गरीब लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़ा लोगों को बहुत तरह का इस तरह बात करके, और उनका घोषणा था कि सबको हम सत्ता में हिस्सेदारी और काम में हिस्सेदारी और सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। और देखते थे आप कि बहुत जगह होर्डिंग लगा हुआ था कि बाबू नहीं भैया चुनिए, इस तरह का, शासक नहीं सेवक चुनिए, इस तरह का उनका होर्डिंग भी, स्लोगन भी लिखा हुआ था। अब देखिए, सब स्लोगन भी ख़त्म हो गया उनका, कहीं नहीं नज़र आएगा। और जो भी चुनाव के पहले जो प्रयासरत थे, जितनी भी घोषणाएँ थी, वो भी ख़त्म हो गया। अब कोई घोषणा नहीं उनका धरातल पर उतर पाया। अब घोषणा की बात आप कर रहे थे सर, अभी जस्ट हमारा मुलाकात हुआ, अभी एक टेम्पो पे कुछ महिलाएं जो है वो जा रही थी, उनके पास एक झोला था और उस झोले पे लिखा हुआ था कि जो राम को लाए हैं आप उन्हीं को लाइए। नीचे फोटो था प्रधानमंत्री जी का, पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक का। जब हम उन महिलाओं से इजाज़त लेकर उस झोला को खोल के देखना चाहा कि वर्तमान विधायक की तरफ से क्या सौगात आखिर लोगों को मिल रहा है, तो झोला खोलने के बाद जो चीज़ें दिखाई दी है सर, वो लोग से भी छुपा नहीं है और शायद हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रहा होगा। झोला में सबसे पहले निकलता है कंबल, फिर निकलता है साड़ी, फिर निकलता है कुछ जो महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान होता है, लेकिन आखिरी में, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, आखिरी में निकलता है भगवान का फोटो। तो ये चीज़ें क्या साबित हो पाती है सर, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले तो आप बोले कि झोला पे लिखा हुआ था जो राम को लाए हैं, जी ठीक है। हम देखिए, सबसे बड़ी बात, ये तो घमंड की बात है। हमें ये कहना है, ये नारा, ये स्लोगन, ये गलत है। हमें ये कहना है कि राम तो दुनिया में लोगों को, ईश्वर ने लोगों को लाया, और हम कहें कि हमने ईश्वर को लाया, ये तो गलत है ना। हमें कहना कि हमें राम ने लाए, हम राम को नहीं लाए हैं भाई, इस पर हम पहले बात कहना चाहेंगे। ये स्लोगन है तो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। स्लोगन में उनका सीधा सीधी घमंड झलकने का काम हो रहा है कि जो राम को लाए हैं। हम ये बताते हैं, हम तो ये जानते हैं कि राम हमको लाए हैं, हम राम को नहीं लाए हैं, ठीक है। क्या लगता है इस बार फिर पांकी विधानसभा में उनका जो वोट मांगने का मुद्दा है वो फिर से जाति का ही मुद्दा रहेगा या फिर विकास के नाम पे? हमने उन महिलाओं से पूछा भी और मैंने वो न्यूज़ भी कवर किया है, मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा है कि काश आप ये भगवान की फ़ोटो की जगह 5 साल जो आपने विकास का काम किया है वो डाल के विकास, अगर आप वोट मांगते तो वो समझ में आता, लेकिन भगवान का फ़ोटो डाल के, तो आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज देंगे उनको? देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो सरकारी संपत्ति, ठीक है, ये सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा सभी MLA लोगों को साल में 5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। आज के दिन में हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, सभी MLA को फंड मिलता है 5 करोड़ रुपया साल में। ये जो टोटल पैसा से ये जो मशीन का वितरण कर रहे हैं, ठीक है, अब मशीन का क्या सिस्टम है, कितना का उसका बिलिंग है, कितना का उसका कोटेशन है, इसकी तो बात अलग है, लेकिन वो सिर्फ पैसा को दुरुपयोग ही हो रहा है। और इस पैसे से जो महिलाएं को, जो JSLPS की महिलाएं हैं, सिर्फ उनके बीच 15 महिलाएं के बीच एक मशीन दिया जा रहा है, और वही MLA फंड का पैसा सिर्फ NGO के माध्यम से ये जो है साड़ी का जो परचेजिंग करवा करके, और वो साड़ी की जो महिलाएं यूज नहीं कर सकती हैं, पहन नहीं सकती हैं, पहनने के योग्य वो साड़ी नहीं है, और उस तरह का साड़ी
वो कितना का साड़ी है, कितना का बिलिंग हुआ, वो तो बात की बात है। अब इस तरह सरकार का पैसा का दुरुपयोग करके अपना व्यक्तिगत नाम कमाने का लोग काम कर रहे हैं। जो सरकार के एमएलए फंड जो होता है, ये गांव घर में छोटा छोटा काम, नली है, पीसीसी है, बांध टूटा हुआ है वगैरह, बहुत सारी योजनाएँ के लिए है। और जब अगर बोलते हैं कि हम रोजगार सृजन करने का काम किए महिलाओं के लिए, हम ये पूछना चाहते हैं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर खुला है। ये मशीन बटने के पहले बात हुआ कि ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, तो भाई सरकार की पैसा है, अच्छी बात है। हमें जब मौका मिला तो अपने हम सोच से हम सार्वजनिक विकास करने का काम किए, अब इनका जब मौका मिला तो ये व्यक्तिगत विकास की सोच रखने का काम किए हैं। तो अगर व्यक्तिगत विकास की बात रख रहे हैं तो 15 महिलाएं में एक मशीन मिला, तो इसके लिए तो नियमावली बनना चाहिए था कि भाई महिलाओं को रोजगार तब सृजन होगा जब पूरे बाकी विधानसभा में जितने भी विद्यालय हैं, कस्तूरबा हो या जितने भी विद्यालय हैं, सबको होता कि हाँ ये महिलाएं जेएसएलपीएस के जिनको मशीन मिला है, सब सरकारी विद्यालय में ड्रेस का यहीं से सिलाई होगा और उन लोग को मटेरियल दिया जाता और उन लोग सिलाई करती, कढ़ाई उस कंप्लीट ड्रेस को कंप्लीट करती, कोई काटने में लगी रहती, कोई सिलने में लगे रहती, कोई उसे पैकिंग करने में लगे रहती, तब जाकर के वो विद्यालय में वो ड्रेस सप्लाई होता, तब जाकर के उनको 2 रुपया मिलता, तब मानते कि रोजगार सृजन हुआ है। अब मशीन की अब बात कर रहे हैं, मशीन मिला 15 के बीच में एक मशीन मिला है, अब किनके यहाँ वो मशीन रहेगा, किनके स्टैंड रहेगा, और वो बेबिन टूटेगा, सुई टूटेगा, धागा फंसेगा, उसको कौन अपना पैसा लगा के बनवाएगा। तो कहीं तो रोजगार तो सृजन हुआ नहीं। और मशीन भी आपको हम बताना चाहते हैं कि बहुत जगह बिकना भी चालू हो गया है झगड़ा के कारण, कि मशीन बेचो और पैसा बांट लो। तो बताइए सरकार का पैसा का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, आप समझ जाइए। ये तो पैसा जो है सरकार का, ये तो दुरुपयोग हो रहा है। आप व्यक्तिगत चाह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत मशीन कहीं दे दें और मेरा वहाँ पे वोट बन जाए, तो आप हर चीज़ को आप वोट के मायने से अगर लेके चलिएगा तब तो कोई नेता कोई सार्वजनिक विकास ही नहीं करेगा। सोचेगा कि भाई कुछ ऐसा ही काम करके व्यक्ति व्यक्ति को हम दे दें, अब कोई ऐसा काम नहीं हो। आज क्षेत्र में देखिए, आज आप वो पैसा को विधायक कोटा के पैसा से मशीन बांट दे रहे हैं, विधायक कोटा का पैसा एनजीओ में ट्रांसफ़र करके साड़ी वितरण करवा दे रहे हैं। तो इस तरह का कार्य करने से आप हर जगह सार्वजनिक विकास कहाँ हो पा रहा है। कल आप जब विधायक थे तो बोला करते थे कि जाति को देखकर विकास किया जा रहा है, अगला पिछड़ा देख करके। आज हमें ये कहना है कि आज इस तरह आपको मौका मिला, अनेकों आपका घोषणा था, एक भी घोषणा तो पूरा नहीं हो पाया। अमानत में आपका कई एक जगह पर जनता पुल का घोषणा था, डेल्हा से डायरेक्ट, तरासी प्रखंड से डायरेक्ट आपको खैराट, नीलांबर, पीताम्बर, लेस्लीगंज को जोड़ने का वादा था, एक पाया भी नहीं खड़ा हुआ। आप बोले थे हर एक गांव में 5-5 डीप बोरिंग कराया जाएगा, किसान के चेहरे पर हरियाली लाया जाएगा, आप कहाँ एक डीप बोरिंग भी किसान के खेत में नहीं करा पाए। आप बताइए कि क्षेत्र अभी के समय में क्षेत्र का विधायक का मतलब क्षेत्र का राजा, और प्रदेश का मुख्यमंत्री का मतलब प्रदेश के महाराजा। आज का यही है ना कि भाई आज के महाराजा यहाँ के मुख्यमंत्री और राजा क्षेत्र के विधायक। तो आज ये बताइए कि आज लोग बारिश हुआ है तब थोड़ा बहुत लोग धान रोपनी कर पा रहे हैं, बहुत लोगों को परेशानी है जो टाँड पे है, जहाँ पे ऊंचाई पे है, आज भी वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। और इस क्षेत्र के राजा अपने बाउंड्री में 7-8-10 डीप बोरिंग सरकारी करवा लिए, अब करवा करके आज 2 महीना पहले ही धान रोप के तैयार हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र के राजा को प्रजा के प्रति कितना चिंता है। अपने वो धान अपना रोप लिए और रोपने के बाद वो अखबार में आया कि पूर्व वर्तमान विधायक भाई खेती गृहस्थी से आते हैं, जो अपना धान रोप करके निश्चिंत हो गए। आप बताइए कि राजा को सिर्फ अपने कैंपस के ही खेती पर नज़र है, प्रजा के खेत में अगर मतलब सुखाड़ हो या क्या हो उसके चिंता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं वो व्यक्तिगत सोच वाले व्यक्ति हैं, वो जब भी सोचेंगे तो व्यक्तिगत सोच रख के ही चलेंगे, वो सार्वजनिक सोच कभी नहीं रख सकते हैं। और जितनी भी उनकी घोषणाएं हैं जो बार बार वो टारगेट करते हैं, अगली पिछड़ी स्वर्ण दलित, ये ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर भावना, सिर्फ लोगों का लड़ाने का भावना है। और टेबल राजनीति पर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, षड्यंत्र पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि बाकी विधानसभा की जनता
हर षडयंत्र को नाकाम कर चुकी है पहले भी, और हर तरह का नाकाम को उन लोग जो भी षडयंत्र को नाकाम साबित कर चुकी है यहाँ की जनता, और वैसे जितना भी उनका सोच है तो जहाँ वो सोच के अंत करते हैं तो बाकी विधानसभा की जनता वहाँ से प्रारंभ करती है उस सोच को। और ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे पुनः आपसे कि ऐसे जो घमंड में चूर हैं कि जो कि ये बात को अगर लाते हैं अब कहने का काम कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, फिर हम आपको दोहरा रहे हैं कि देखिए भाई अगर इंसान भगवान को ना लाने लगे धरती पर, इंसान के बस में अगर ताकत हो जाए कि हम चाहेंगे तो भगवान आएंगे और हम चाहेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, तो ये घमंड है। जब रावण का घमंड नहीं रह पाया तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का क्या घमंड हो सकता है जिसका रावण का सोना का ही लंका था और किसी तरह का ना सेना का कमी था और ना रावण को कोई जजात का कमी था। जब उनका घमंड चूर हो सकता है तो ऐसे ऐसे लोग घमंड चूर होने में 5 सेकंड भी नहीं लग सकता है। एक आखिरी सवाल सर, आप हमारे माध्यम से अपने पाकी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से लगातार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उस लिहाज से? भ्रमित की बात है तो भ्रमित के लिए जनता यहाँ खुद सक्षम है, वो समझ रही है। जब बरसात आएगा तो बरसाती मेंढक बहुत आएंगे, बरसात आता है ना तो रात में देखिएगा बहुत टर टर बहुत जगह से आवाज़ निकलता है, तो बरसाती मेंढक हैं। लेकिन आपको हम यही बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं आज के समय में कि हमें लगता है कि जितने भी मैं इस क्षेत्र में कम उम्र में जो प्रतिनिधित्व कर चुका, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, सभी समाज के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और इतने कम उम्र में हमें यहाँ के क्षेत्र के लोग हमें विधायक बनाने का काम किए। और आज भी बता रहे हैं जितने भी लोग अपने ख्वाब पालकर आए हैं इस मैदान में बरसाती मेंढक के रूप में, आज भी हमसे हमारे उम्र से दुगना के हैं या कोई हमसे 10 साल बड़े ही हैं, लेकिन बड़े हैं। लेकिन इस सोचने की बात है कि सब लोग का टेंशन हम ही से है, आप ये जान जाइए सब लोग का टेंशन हम ही से है, चाहे वो भूत के प्रत्याशी हों, भविष्य के हों या वर्तमान के हों, सबको डर हम ही से है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका उम्र 70 साल भी हो चुका है, किसी का उम्र 60 साल भी हो चुका है, किसी का उम्र 40 साल भी हो चुका है, तो सब लोग एक हैं, पर्दा के पीछे एक रहते हैं, पर्दा के बाहर अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं कल भी अकेला अपने क्षेत्र के लोगों के दम पे लड़ा और आज भी आपको कह रहा हूँ कि हम आज भी हैं इस मैदान में, तो हम अपने क्षेत्र के लोगों के दम पर इस मैदान में खड़ा हैं और ये रहेंगे। लेकिन जो लोगों का पर्दा के पीछे का खेल है वो हर पब्लिक जान रही है, और हमें ये कहना है कि भाई अगर आप मजबूत हो तो क्या ज़रूरत पड़ रही है कि सबको एक मंच पर आना पड़ रहा है एक 35 साल के लड़का से लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप मजबूत हो तो फिर बरगलाना किस बात की है, और मैदान में आना चाहिए। कहावत है ना कि हाथ आरसी तो कंगन क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपके में नैतिकता है, क्षमता है, दम है, तो भाई पर्दा के पीछे गेम करने से क्या फ़ायदा है। अब जनता के सामने अपनी आके बात को रखिए और जनता निर्णय लेगी ना। लोकतंत्र की भगवान कही है या लोकतंत्र का मालिक कही है, जनता होती है और जनता इस चीज़ को निर्णय लेगी। और विशेषकर जिस मुद्दा पे हम लोग आए थे उस मुद्दा पे बात तो नहीं हो पाई क्योंकि आप हमें भटका दिए उस मुद्दा से, आप ले गए हमें कहाँ से कहाँ मामला को बताने लगे। लेकिन ज़रूर आज देखिए हमें जो अब संस्कार मिला है अपने दिवंगत आत्मा स्वर्गीय पिता और सबों के नेता स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के, उनके समय से जो मुझे संस्कार जो मुझे मेरे अंदर भरा है और जो उनके देखने से उनके कार्यशैली से जो हम सीखे हैं, उसके बदौलत हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से और कार्य करने की क्षमता से आज प्रभावित होकर हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई लोग आज हमारे साथ हमारे पार्टी में, आज हमारे आवास पर मनातू प्रखंड में विदेश नगर चौक पदमा में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें शौकत खान साहब और लाडली हसन साहब भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष और महरंग यादव जी और महेंद्र तुरी जी, गणेश तुरी जी और देवराज तुरी जी, ये सब आज सम्मिलित हुए हैं। आज भुनी तुरी जी
हमारे सम्मिलित हुए हैं, तो आज सभी लोग समझ सकते हैं आपको भी अपना इंटरव्यू देने का वो लोग काम किए हैं। और कुछ दिन पहले भी हमारे मनातू प्रखंड के उप प्रमुख साहब हम लोग के बीच सम्मिलित हुए, सैकड़ों लोगों के साथ शामिल हुए थे। तो आज देखिए ये सब लगा हुआ है। आज हम किन्हीं के, ऐसा नहीं है कि किन्हीं को हम कुछ दे करके या उनको किसी तरह का लोभ दिए हैं या किसी तरह का उनको हम वादा किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों कि लोग जानते हैं कि अगर जो मेहनत करेगा तो मेहनत का फल खुद मिलेगा, और जो मजदूरी करेगा तो उसको जरूर मंजूरी मजदूरी का जो फल है, जो कीमत है, जरूर उसको नेता चुकाने का काम करेंगे। तो हम लोग उस उम्मीद के साथ, उस आशा के साथ जुड़े हैं सब लोगों के साथ, और जरूर आप लोग भी सहयोग करते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह सभी लोग का सहयोग प्राप्त होते रहे, सभी लोग मिलकर इस क्षेत्र को फिर उसी अंदाज में, स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के अंदाज में क्षेत्र को चलाने का काम करें और एकता के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।